स्टूडेंट आज जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर्स पे बेस्ड है और ऑब्जेक्ट क्या है टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ अ व्हीकल। आप किसी भी पॉट जो हॉलो पॉट हो ग्लास हो कप हो उसकी डेप्थ को बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में भी बता चुके हैं आपको कि वर्नियर कैलिपर में दो जॉज होते हैं, उन दो जॉज का हमारा कोई काम नहीं। इसकी एक टेल भी होती है, अगर हम पीछे दिखाएं ये टेल है, अगर हम इसे मूव करा रहे हैं देखो टेल की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी रीडिंग्स भी वैसे ही ली जाती है जैसे हमने बाकी ऑब्जेक्ट्स की ली थी, रेडियस कैलकुलेट करी थी, इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करी थी। तो अब जो जिसकी हमें डेप्थ कैलकुलेट करनी है हम क्या करेंगे बेटा, उस पॉट को रखेंगे और इसे पूरा खोल देंगे। अब इसे यहाँ पर रखेंगे, देखो एक बात सुनो, रखा हमने थोड़ा सा यूँ करा लीजिए, ऐसे दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है ऐसे। तो अब मैं इसे धीरे धीरे नीचे ले जाऊंगा, धीरे धीरे धीरे। अब ये यहाँ पे रुक गया ना, तो वैसे तो हम स्केल डालेंगे हमें पता नहीं चलेगा कितनी डेप्थ है, पर इससे एग्जैक्ट आगे क्योंकि इसने बाउंड्रीज पे आगे बिल्कुल ही राइट, इससे ज़्यादा ये नीचे जा नहीं रहा है, जिन्हें जाना था चला गया राइट। अब इसकी रीडिंग लेने के लिए वही मेथड लेंगे, पहले हम रीडिंग ले लेंगे। मुझे फ़ोन दो बेटा, फ़ोन से एक मिनट क्लियर आती है ना वीडियो, रीडिंग का एग्जैक्ट पता चलता है। देखो 10 नज़र आ रहा है, 9.6 आ रही है, देखो फ़ोन में देखो है ना, जो 10 है ना, 10 से पहले 5 होगा, 9.5, 9.6 रीडिंग कितनी आ रही है, 9.6। और कौन सा पार्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो सिक्स्थ वाला, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला पार्ट यहाँ से दिखाएंगे, सिक्स्थ वाला ये वाला पार्ट, देखो ये लाइन बिल्कुल मैच कर रही है ना, है ना बेटा, सिक्स्थ वाले हैं, लो बेटा पकड़ूंगा, हाँ ठीक है, इधर देखो। अब हमने जो रीडिंग ली, अब हम उस रीडिंग को आपको बाय स्केल बता रहे हैं। ये वन ईयर स्केल होता है नीचे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सबसे पहली बात है यहाँ पे आपका 9.5 है और ये 9.6 आ रहा है और यहाँ पे फिर रीडिंग आ रही है, ठीक है। जब रीडिंग दो उसके बीच में आ जाती है तो फिर क्या लेते हैं, लोवेस्ट वाले लेते हैं। तो यहाँ पे और ये सिक्स पार्ट से एक रीडिंग बिल्कुल मैच कर रही है, तो ये वाली रीडिंग क्या होगी आपकी, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी है, ये 9.6 सेंटीमीटर राइट। और ये वाली रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी, VSR, ये कितना पार्ट हो गया, 6। आपकी लीस्ट काउंट क्या होती है इसकी, द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इजली, ये आपकी लिस्ट काउंट होती है। तो इसकी लिस्ट काउंट हम पहले भी प्रीवियस प्रैक्टिकल में कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी कैलकुलेट करते हैं। मेन स्केल में एक पार्ट 1 मिलीमीटर है, वन स्केल में कितने डिवीजन है, 10, 0.1 मिलीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा बेटा, तो कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। अब मैं इसकी रीडिंग कैसे लूंगा, MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितनी है मेरी, 9.6, VSR मेरी है 6 इंटू 0.01, 9.6 प्लस 0.06, 9.66 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी टेबल बनाना चाहूँ तो टेबल कैसे बनेगी बेटे, सीरियल नंबर, MSR मेन स्केल रीडिंग, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, ए किस में है ये, सेंटीमीटर में, VSR दिस इज ओनली अ नंबर तो नो सेंटीमीटर, ये नंबर है। और सबसे मेन चीज़ है इस जीरो के अलावा जो होता है, फिर क्या होगा, बी इंटू सी सेंटीमीटर में, और आपके पास जो डेप्थ आएगी क्या आएगी, ए प्लस सी किसमें, सेंटीमीटर। जैसे हमने रीडिंग ली थी 9.6 इंटू 0.01, फिर हमने 9.6 प्लस 0.06 कितना आ गया था, 9.66।
अब ये नहीं कि अब आप कहेंगे टीचर्स तो हमें ये गाइडलाइन ये देता है कि हमें कम से कम 5 रीडिंग लेनी चाहिए ऐसी, तो कैसे लेंगे 5 रीडिंग्स को लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम अपने वन्य कैलिपर्स को उठाएंगे, एक इधर से रीडिंग ले लेंगे, एक फिर घुमा के ऐसे रीडिंग ले लेंगे, फिर वन्य कैलिपर्स को घुमाएंगे फिर रीडिंग ले लेंगे, और इन सब का क्या लेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू टेक मीन वैल्यू ऑफ दैट, क्या लेंगे मीन वैल्यू ऑफ दैट। तो हमने किस चीज़ का यूज़ किया जो इसकी टेल थी, ये दो जॉज हैं, ये क्या था फिक्स जॉ था, ये मूवेबल जॉ था। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताएंगे, वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, क्योंकि हमने रेडियस कैलकुलेशन कर ली, हमने इंटरनल डायमीटर निकाली थी इसकी कैलकुलेशन कर ली, हमने डेप्थ को कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। मेरे सब नए बच्चे हैं, खड़े हुए हैं, एक्सपेरिमेंट करने आए हैं, तो देखो बेटे हम अपनी लैब्स में हैं, तो ये लड़का है जो जिसने कैमरा ले रखा था, हम यहीं पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं बेटा। अब वीडियो की जो भी क्वालिटी आती है हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम घर में बनाएंगे तो क्वालिटी हो सकता है अच्छी आए, लेकिन वो बच्चों के साथ नहीं होती है। तो मेरा मन करता है कि मैं बच्चों के साथ ही वीडियो बनाऊँ, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्रैक्टिकल की छोटी छोटी वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।